और डींडवाना जिले के मौलासार थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरदार गैंग के सरगना राकेश गोदारा और इनामी बदमाश आदित्य सिंह उर्फ मोनू को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। दोनों बदमाश कई गंभीर बड़े अपराधों को अंजाम दे चुके हैं और लंबे समय से फरार चल रहे हैं। बता दें कि राकेश गोदारा पर थाना अधिकारी पर गाड़ी चढ़ाने और जानलेवा हमला करने के गंभीर आरोप लगे। इसके अलावा लूट, डकैती और जानलेवा हमले जैसे कई मामले दर्ज हैं। वहीं इस मामले में पुलिस ने कहा कि आरोपियों की तलाश के लिए अभियान चलाकर कि दोनों आरोपियों को जैसलमेर से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। इसके बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सरदार गैंग के सक्रिय होने की सूचना थी, जिसका राकेश गोदारा नाम से सरगना है और दूसरा आदित्य सिंह है, जो हमारा 5,000 का इनामी बदमाश है, जो मौलासर थाने के 363, 366 और 365 और पॉक्सो एक्ट में वांटेड है। इन पर थानाधिकारी मौलासर ने कार्रवाई करते हुए कल थानाधिकारी ने इन दोनों को अरेस्ट किया है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।